ओ हेरी वन दिस इज रविचंद्र एपी एस एस यू ऑल एन समर्थ एंड जुडिशियरी फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले समर्थ एंड जुडिशरी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए साल बहुत ही अच्छा हो आई विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर दिस ईयर हेड एंड uh, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो आप सब अच्छे जहाँ भी जो भी एग्जाम की तैयारी करो आप लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय विशिंग टू ऑल द मेंबर्स जो भी वीडियोस देख रहे हैं बीपीएससी एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल देखिए बी पी एस सी सिक्सटी सेवन के समय पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करा था बहुत सारे सवाल बनाए बहुत मैराथन से लिए बहुत मेहनत करा बहुत सारे आपके दिमाग में वो चीज़ें मैंने कॉन्टेक्ट्स के रूप में क्वेश्चंस के फॉर्म में बहुत कुछ डाला पर जो रिजल्ट निकल कर आया जो कट ऑफ निकल के गई उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे पुरानी चीज़ होगी उसको एक बार के लिए आप साइड करें नए चीज़ों को आगे देखेंगे बी पी एस पेपर आपका बारह फरवरी को शेड्यूल है सो ट्वेल्थ फरवरी दो के टारगेट को करते हुए अपन आज बी पी एस को पहला डी जी टेस्ट पेपर जो मैंने कंडक्ट कराया मैंने समर्थ्य आइजन जुडिशरी ने जो कंडक्ट कराया है 24 दिसंबर को आप लोगों को बहुत लोगों को पता नहीं है बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके कुछ क्वेश्चन को मैं एज ए रिव्यू एज ए फॉर्मेट में आपको करा रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से अपने टेस्ट पेपर में डाले थे और टेस्ट पेपर का प्राइस क्या होगा आप कैसे उसको इनरोल कर सकते हैं आपके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे बट आई एम स्टिल रिक्वेस्टिंग ऑल द बीपीएससी स्टूडेंट्स की आप एक बार विथ अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस बहुत ही कम अमाउंट में आप इस इनिशिएटिव के साथ जुड़िए आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आपको मेरा मेहनत देखना है मेरे फर्ट्स देखना है, मेरे क्वेश्चन का लेवल देखना है ये वीडियो देखिए इसके अलावा जो मैंने बीपीएससी एस सी के सारे प्लेलिस्ट में जो मैंने आपको अब जब मेरे चैनल पे जाओगे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा सिक्सटी सेवेंथ का बीपीएससी पी एस सी सिक्सटी सेवन्थ में मैंने कई सारे मैराथनस लिए थे आप उसको देखिए मुझे इतने अच्छे मैसेजेस मिले उन सब वीडियोज़ के बाद बहुत अच्छे रिव्यूज बहुत अच्छे मैसेजेस मिले मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग एक बार देखिए जुड़िए और उसी चीज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जो मिशन बारह फरवरी दो जो मैंने शेड्यूल कर रखा है आज फर्स्ट जनवरी को तीन बजे आपको वीडियो मिल जाएगी

चार सौ निन्यानवे रुपये प्राइस है सच अ वेरी रीजनेबल प्राइस फोर नाइनटी नाइन में आपको दस पीडीएफ दिए जाएंगे जनवरी में आपको सेवन पीडीएफ्स शेयर करूंगा मैं सात पेपर आपका जनवरी में होगा टेस्ट पेपर तीन पीडीएफ या तीन टेस्ट पेपर आपके नौ नौ फरवरी से पहले मैं कंडक्ट कर दूंगा अगर डेट नहीं बढ़ा तो अगर डेट बढ़ा तो फिर उसके हिसाब से अपन गैप भी बढ़ा देंगे पेपर का ठीक है अभी तक तो मेरा टारगेट यही है क्वेश्चन पीडीएफ तैयार हो रखे हैं आपका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है वो चौदह जनवरी के अराउंड होगा मैं एक पोस्टर शेयर करूंगा इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए अभी इसका लिंक मैंने ज्वाइन दे दे रखा है पिंड कमेंट का सबसे पहला जो होगा बीपीएससी एग्जाम स्पेशल करके जो चैनल है टेलीग्राम पर उसको ज्वाइन करिए इसका पीडीएफ भी वह, वहीं पे दूंगा पोस्टर भी मैं वहीं पे बताऊंगा आपको कि किस किस तारीख को मैंने डेट शेड्यूल कर रखा है पेपर का चौबीस दिसंबर को मैंने पेपर कंडक्ट किया था तेईस बच्चे अभी इसके साथ जुड़े हैं फोर नाइन्टी रुपया प्राइस है कैसे पेमेंट करना है वो सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ठीक है तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अपन आएंगे उस एनालिसिस के ऊपर उस टेस्ट पेपर के सारे के सारे सेटअप के ऊपर कि कैसे कैसे आपको इनरोल करना है क्या लेवल होगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर वन के साथ स्टार्ट करेंगे जो मेरे आपके टेस्ट पेपर का सत्रह नंबर क्वेश्चन था 17th नंबर जो क्वेश्चन था वो इसमें इस मैंने पहला नंबर डाला है जो पहला क्वेश्चन है जो आपके चौबीस तारीख के टेस्ट पेपर का सत्रह नंबर का क्वेश्चन था 17, उसका पहला क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूं बताइए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी दो परिचालन हवाई अड्डों वाला पहला शहर बन गया है अंग्रेजी में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल ऑफ इंडिया मतलब कैपिटल ऑफ एनी स्टेट जो इंडिया में है बिकेम द फर्स्ट सिटी टू हैव टू ऑपरेशनल एयरपोर्ट उस उस सिटी के पास उस कैपिटल के पास अपने दो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गए हैं आपके ऑप्शन नई दिल्ली मुंबई पंजी गांधीनगर और ऑप्शन ई से आप लोग हैं अच्छे से और याद रखिएगा इज देर नेगेटिव मार्किंग ऑफ माइनस वन यूनिफॉर्म नेगेटिव मार्किंग है माइनस वन बाई फोर मतलब एक नंबर का वन बटा चार जो भाग है वो कट जाएगा चार क्वेश्चन पे एक नेगेटिव हो जाएगा आपका यही आपके यूपीएससी में बीपीएससी में भी सेम पैटर्न आने वाला है माइनस वन बाई फोर आएगा ठीक है तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी दो परिचालन हवाई अड्डों वाला पहला शहर बन गया है भारत का द राइट आंसर इज पंजी पंजी में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक नया मोपा करके जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करा पहले से तो पंजी एयरपोर्ट जो वहां पे एयरपोर्ट है ही पंजी शहर में वो तो है ही उसके अलावा मोपा एयरपोर्ट जो बनाई गई वो दूसरा एयरपोर्ट बना उस जगह पे तो अब जो एयरपोर्ट्स हो गए हैं पंजी में वो दो एयरपोर्ट हो गए हैं आपको याद रखना और देश का पहला एक ऐसा कैपिटल बना है जहां पर एक ही शहर में दो दो एयरपोर्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो मोप आपको मैंने बता दिया एक जो पंजी का ओरिजिनल था वो तो अपनी जगह है ही ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इसके अलावा मुंबई अभी लिस्ट में है मुंबई भी बन सकता है एट द सेम टाइम दिल्ली का जब आपका क्या नाम है जेवर वाला एयरपोर्ट बन जाएगा नोएडा वाला तब भी उसको भी बोल देंगे कि वो भी एक तरीके का न्यू दिल्ली भी उस लिस्ट में है तो अभी के लिए पंजी आपको याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया था सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया जो आपका पेपर का मुझे शायद याद है ट्वेंटी नंबर था यह क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है क्वेश्चन नंबर टू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत आपको बताना है कि भारत का कौन सा वो लिमिटेड है या फिर वो कंपनी है जिसने आपके जो पहला भारत का पहला जो इंडिनेस इंडिनेस मतलब कि स्वदेशी हमने खुद उसको निर्मित किया है एयरक्राफ्ट कैरियर जो आपका बोलते हैं ना स्वदेशी विमान और उसको बोलते हैं वो किसने बनाया है एयरनिस विक्रांत करके जो आपका है एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको बोलते हैं विमान पोत वाहक जिसको बोलते हैं वो किसने बनाया है ऑप्शंस हैं कोचीन सेपियर्ड लिमिटेड मजगांव सेपियर्ड लिमिटेड सालीमार सेपियर्ड लिमिटेड या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंटरप्राइजेस जो करके है और ऑप्शन ये आप लोग अच्छे से बाकिफ हैं बताइए इसके बारे में आंसर है देखिए इसका राइट right आंसर है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन right है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका राइट आंसर है कोचिन सिपियाड लिमिटेड दो सितंबर 2022 वो दिन था जब भारत को पहला अपना स्वदेशी निर्मित आई एन विक्रांत मिला हमने खुद उसको निर्मित किया है कोचिन सेपिया लिमिटेड ने किया कोचिन में इसको इंटर किया गया मतलब भारतीय सेना को भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया ये सवाल आपको मैंने कराए हैं अपने पीडीएफ में गोवा वाला जो मैं आपको बार बार बोल रहा था वो दवोली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बार बार मेरे दिमाग से हो रहा था अभी याद है तो मैं आपको बता देता हूँ चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री जो मैंने आपको कराया था ये मुझे याद नहीं आपके पीडीएफ का कौन सा सवाल है पर क्वेश्चन नंबर थ्री उस पीडीएफ में था कि महावलीपुरम इज द नेम बेस्ड ऑन हु द फॉलोइंग रूलर महावलीपुरम तमिलनाडु में एक जगह है इसमें से किस शासक के नाम पर महावलीपुरम दिया गया था नाम आपको बताना है महेंद्र वर्मन वन महेंद्र वर्मन टू नरसिम्ह वर्मन वन नरसिम्ह वर्मन टू

आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करिए एट एट फाइव वन जीरो फोर जीरो डबल सिक्स थ्री नंबर याद कर लीजिए एट एट फाइव वन जीरो फोर जीरो डबल सिक्स थ्री ये बीपीएससी का जो आपको टेस्टरी चाहिए वो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा आप यहाँ पे पेमेंट करिएगा इस ये मेरा यूपीआई नंबर भी यही है आप इस पर पे पेमेंट करिए उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करिए फिर मैं आपको जो है वो पी जो भी मेरा टेस्ट सीरीज का ग्रुप है उसमें मैं ऐड करूंगा उसमें मैं आपको जो पीडीएफ शेयर करता हूं वो मैं करूंगा डेट भी वहीं बताऊंगा सारी चीजें आपको बिल्कुल सिस्टम में पता है देखिए नाम दिया है ज्वाइन बीपीएसी टेस्ट सीरीज फॉर सिक्सटी एट प्रिलियम पंद्रह के लगभग आपको दिए जाएंगे इसके अलावा एक पीडीएफ जो मैं आपको शेयर करूंगा वो मोस्ट ऑफ द स्पेशल कैंडिडेट स्पेशल ना पेपर के लिए होगा बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको एक स्पेशल फ्री में वो मेरी तरफ से रहेगा आप लोगों के लिए सिक्सटी के टारगेट करते हुए ठीक है दोनों लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा सारी चीजें जनरल साइंस मैथ्स हिंदी जो भी, जो भी भी पे में, में ठीक है ये इस टेस्ट को करिए आपको अच्छा लगेगा समर्थ आपके, आपके लिए बहुत, uh, बहुत बेनिफिशियल होगा ठीक है अभी इस टेस्ट सीरीज के बारे में भी बात करेंगे पर क्वेश्चन की तरफ चलते एडवर्टाइजमेंट करना पसंद है नहीं वैसे पर क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ आ जाते हैं कहा गया महावलीपुरम का नाम दिया गया था नरसिम्ह वर्वन वन के ऊपर याद रखे गए सारे के सारे पल्लव रूल राजा थे ये भी आपको मैं बता देता हूँ पल्लव राजा थे ठीक है तो आपको याद रखना है नरसिम्ह वर्वन वन के ऊपर इनको जो इनको ममल्ला बोलते थे ममल्ला तो इन्हीं के नाम पर ममल्लीपुरम में महावलीपुरम जो है वो नाम दिया गया ये चीज आपको याद रखना है ठीक है इसके इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन थे राजा सिंह किन को बोलते थे उसके अलावा चोला चोला इंपायर के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अपने टेस्ट पेपर्स में ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं

या पानी पर तैरते कीड़े इसमें से कौन एग्जाम्पल ऐसा है जो बर्नौली थियोरम का उस प्रिंसिपल पे काम नहीं करता है बर्नौली थ्योरम क्या होता है एक्सप्लेनेशन में आपको और जो पीडीएस और बनाऊंगा इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनाऊंगा उसमें मैंने आपको बता रखा है और पहले भी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ था ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स फ्लोइंग ऑन वाटर इंसेक्ट्स जब फ्लोइंग फ्लो करते हैं वाटर पर वो जो प्रिंसिपल है वो बर्नौली थ्योरम पे काम नहीं करता बाकी उसके अलावा सारे के सारे बर्नौली थ्योरम पे काम करते हैं ये मैंने इसलिए करा रखा है मैंने जानबूझकर इसको चेंज नहीं किया देखिए कि पहले इस चैनल का नाम था रविचंद्र यूपीएससी सीएससी जो मेरा नाम था मैंने उसका नाम बदल के समर्थ आईशन ज्यूडीशेरी करा है इसलिए मैंने बैकग्राउंड में भी सम... रविचंद्र यूपीएससी सीएससी रहने दिया ताकि आप लोग अगर रविचंद्र यूपीएससी सीएससी के नाम से जानते थे इस चैनल को तो आप समर्थ आई एन जुडीशेरी के नाम से भी जान लीजिए क्योंकि एक समर्थ ऐस करके टेलीग्राम जब आप गूगल करोगे ना यूट्यूब पर तो समर्थ ऐस करके एक दो एक दो चैनल और हैं जिसके सब्सक्राइबर्स कुछ एक सौ लोग हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करना है सब्सक्राइब आपको वन हंड्रेड वन पॉइंट फाइव के वाला जो चैनल है मेरा समर्थ आई इसी शरीर इसको सब्सक्राइब

चार सौ करोड़ रुपए लगे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट को बनाने में इसके अंदर जो वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया है गंगा योजना के अंदर उसमें चार करोड़ लगे हैं तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि मेघा कंपनी हैदराबाद की जो थी उसको इसका कार्य दिया गया था इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने का आपके ऑप्शन है पहला सही है सिर्फ दूसरा सही है दोनों वन और दो सोन दोनों सही है या सिर्फ तीसरा सही है या नन और नन ऑफ द वो मोर देन वन ये ऑप्शन जो आप लोगों को पता है याद रखिएगा दर इज अगेटिव मार्किंग सिक्सटी एट बीपीएससी में याद रखिएगा भूलना नहीं है इसको तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो देखिए गलत ये जो स्टेटमेंट है गलत है ये स्टेटमेंट सही है ये स्टेटमेंट सही है तो जैसे ही मैंने बोला वन गलत है तो वन गलत हो गया ये गलत हो गया पर टू और थ्री दोनों सही है तो मोर देन वन हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गया और बोधगा के लिए नहीं नवादा और नालंदा इन सब के लिए भी बेनिफिशियल होगा नालंदा के लिए नहीं पर नवादा के लिए बेनिफिशियल ज्यादा होगा गया बोध गया नवादा इनको बोलेंगे राजगीर तक के लिए चीजें फैली रहेंगी तो नालंदा भी उसमें आ सकता है ठीक है तो चार करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया गया और मेगा कंपनी जो हैदराबाद की है उसके लिए फायदेमंद है देखिए चार करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया मेगा कंपनी को इसका गंगाधर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन द फर्स्ट एवर वर्ल्ड स्लॉथ वेयर डे किस दिन बनाया गया वर्ल्ड स्लोथ बियर डे स्लोथ बियर को कहते हैं स्लोथ भालू या फिर सुस्ती भालू सुस्त भालू जो कहते हैं उसका पहली बार दुनिया में पहली बार वर्ल्ड स्लोथ बियर डे बनाया गया वो किस तारीख को बनाया गया 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर या एक, एक में से कोई नहीं है एक से ज्यादा ऑप्शन आपको पता ही ऑप्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये मैंने आपके पीडीएफ में करा रखा है शायद सत्तावन नंबर जो सवाल है या पचपन नंबर सवाल है वो यही था बारह अक्टूबर इसका आंसर होगा राइट ये भी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर सिक्स इज द राइट ट्वेल्थ अक्टूबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये चीज आपको पता होना चाहिए आगे चलेंगे अब देखिए अभी मैं बार बार कह रहा हूं बीपीएससी एग्जाम स्पेशल चार सौ उनहत्तर लोग हैं अभी तुरंत इसको सब्सक्राइब ज्वाइन करिए आप टेलीग्राम पे इसको सर्च करिएगा आपको लिंक भी दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको ही मिलेंगी इसके पहले आपको ग्यारह क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं जिसके ऊपर वीडियो मैंने बना रखा है मेरे चैनल पर वो मैंने यही कराए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में और यूपीएससी स्क्रीनशॉट को ट्विटर पर फॉलो करिए सत्रह सौ ग्यारह फॉलोअर्स है मेरे मैं ही उस यूपीएस स्क्रीनशॉट मेरी प्रोफाइल है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट 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 इंफॉर्मेशन आपको साझा की जाती है आपके साथ शेयर किए जाते हैं

चीज आपको पता होना चाहिए देखिए इसमें से कोई भी गलत नहीं है सारे के सारे सही हैं बाटर का डेंसिटी वन ग्राम होता है डेंसिटी आइस का होता है आयरन का सेवन पॉइंट एट होता है मरकरी का थर्टीन पॉइंट सिक्स होता है देर इज नो ऑप्शन जो गलत है ठीक है आगे चलेंगे ऑल आर करेक्ट आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन भैया क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे रंपा रेवेलियन बहुत अच्छा बहुत अच्छा न्यूज में था रंपा रेवेलियन या मनियम रेवेलियन भी बोलते हैं इसको भी इंपॉर्टेंट आपके लिए पता होना चाहिए रंपा रेवेलियन या मनियम रेवेलियन लीडरशिप ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू टूक इन विच ऑफ दलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में किस राज्य में हुआ था इसमें दो क्वेश्चनशिप में हुआ था यह भी आपको पता होना चाहिए अल्लूरी सीताराम राजू यह भी पूछ सकते आपके में कि किसके नेतृत्व में हुआ था किस राज्य से संबंधित है ऑप्शन है उड़ीसा आंध्रप्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र नन या मोर देन बन सोचे फिर जवाब दीजिए अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है अभी न्यूज में भी था क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां गए थे बहुत सारी चीजों का उनको उद्घाटन करा इनका स्टैचू का उद्घाटन करा म्यूजियम का उद्घाटन करा राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश रंपा रेवेलियन कहां से संबंधित है आंध्र प्रदेश से अलूरी सीताराम राजू को वहां का रवि रविन बोलते हैं बहुत बहुत बड़े व्यक्ति थे बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे इंसान था ये बहुत फाइट कर उन्होंने ट्राइबल्स के लिए याद रखना आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे आल कि टर्म अग्रहार अग्रहार प्राचीन भारत में यूज किया जाता था एंशियंट इंडिया में किस किस चीज से रिलेटेड था मतलब किस सेंस में अग्रहार अग्रहार्ड का यूज किया जाता था प्राचीन भारत में जमीन के मामलों में धर्म के मामलों में टैक्स के मामले में या आर्किटेक्चर के मामले में किस मामले में किया जाता था बताइए ऑप्शन ये आप सबको पता पता है है ए आपको और समर्थ है पहले रविचंद्र रविचंद्रीपीसी था ये भी आपको पता है देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपके पीडीएफ में कराया था टैक्स याद रखिएगा टैक्स से संबंधित है अग्रहार टैक्स नहीं आई थिंक लैंड होना चाहिए हाँ, होना चाहिए लैंड है टैक्स नहीं लैंड से संबंधित अग्रहार ये याद रखिएगा आप लोग ठीक है अग्रहार से संबंधित है लैंड से संबंधित है इसी पर टैक्सेस लगाते थे कई बार टैक्सेज होता था ना वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड होता था तो इसलिए मेरे को याद आ रहा था शायद टैक्स भी इसी चीज से रिलेटेड था तो द राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा लैंड हो जाएगा यह भी आपको पता होना चाहिए चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन होगा ना दस बताइए देखिए साइंस का सवाल है आपको बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है गलत ऑप्शन कौन सा है बताइए एक तरफ एलोय का नाम दिया हुआ है एक तरफ उसके मिक्सचर्स का नाम दिया हुआ है ब्रास ब्रास में क्या क्या होता है कॉपर प्लस जिंक ठीक है ब्रोंज कहां से जिसको बोलते हैं ब्रास मतलब तांबा जिसको बोलते हैं ब्रोंज मतलब कहां से जिसको बोलते हैं कॉपर प्लस एशियन जिसको बोलते हैं जर्मन सिल्वर कॉपर निकल जिंक का मिक्सचर होता है स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आयरन क्रोमियम निकल प्लस कार्बन का होता है और ऑप्शन आप सबको पता है इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो आप बताइए देखिए बहुत अच्छा सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मैं इसके अलावा और कुछ दे देता हूँ इसमें से कोई भी गलत नहीं है एक याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील में कार्बन की वजह से हार्ड हो जाता है ये भी आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और क्रोमियम का यूज किया जाता है स्टेनलेस बनाने के लिए इसको बाकी स्टेटमेंट अपने आप में सही है इसके अलावा कुछ और चीजें यहां पे दे रखी है एमलगम एमेलगम जो होता है मरकरी का एलॉय होता है किसी भी मेटल के साथ किसी भी मेटल को अगर मरकरी के साथ मिला दीजिए तो उसका एमेलगम बन जाएगा एक्सेप्ट आयरन प्लेटिनम टंगस्टन और टेंटुल इनके साथ एमेलगम नहीं बनेगा उसके अलावा सोल्डर प्लस एसियन याद रखिएगा गन मेटल एशियन प्लस क्यू प्लस जिंक ये भी पता होना चाहिए टीम कॉपर जिंक एंड रोज मेटल बिस्मत टीन और लीड ये भी याद होना चाहिए आप सबको ये सारी इंफॉर्मेशन आप दिमाग में डाल लीजिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं को आपको एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है मैंने वहां पे और जर्मन सिल्वर में एक बार पूछा गया था किसी पेपर में कि जर्मन सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर होता है तो एक भी परसेंट नहीं होता जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है ठीक है ये भी आपको पता होना चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए अच्छा सवाल है कि वीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द रनर अप इन फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस साल के फीफा वर्ल्ड कप में रनर अप कौन सा देश रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता रहा ऑप्शन है अर्जेंटीना ब्राजील फ्रांस मोरक्को नन मुरदनवन बताइए याद रखिएगा कतर में हुआ था यह भी याद होना चाहिए आपको कतर गल्फ कंट्री है यहां हुआ था और अर्जेंटीना जीता इसको अर्जेंटीना जीता पर जो आपका फ्रांस है वो इसका रनर अप रहा तीसरी बार जीता गया भी याद रखिएगा जोन में से जो भी जीता वो तीसरी बार जीतता पर जी अर्जेंटीना जीत गया लियोनेल लियोने मेसी की टीम तीसरी बार अभी हाल ही में एक बहुत बड़े फुटबॉलर का निधन हो गया आपको बताना है कहां के थे और उनका क्या नाम था आपको बताना है बहुत बहुत बड़े फुटबॉलर थे वो अभी जस्ट उनका दो से तीन दिन पहले उनका निधन हुआ आपको बताना है कमेंट सेक्शन में फ्रांस इज द कैपिटल और क्या नाम रनर अप एट द सेम टाइम एक और चीज याद रखिएगा मोरक्को जो है पहला अफ्रीकन कंट्री बना जो सेमीफाइनल खेला है ये भी याद रखिएगा जो है वो जो सेमीफाइनल खेलने वाला पहला टीम बना चौथे नंबर पर रहा इसको जो है ना क्रोएशिया ने हरा दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए पहला अफ्रीकन टीम बना जो सेमीफाइनल तक खेला मोरक्को क्वेश्चन नंबर बारह कहता है कि फॉलोविंग बिकम द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट एवर वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी ऑप्शन है स्मृति ईरानी मिताली राज पीटी उषा जी अंकित अंकिता सूद Options आपको पता है पांचवा ऑप्शन आप सबको अच्छे से पता है नॉन मोर देन वन पहली बार पहली बार बनी है फर्स्ट एवर विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन बनी द राइट आंसर इज पीटी टी जी पहली पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी है भी आपको पता होना चाहिए राज्यसभा मेंबर है भी आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है कहां से है वो बताना चाहिए किस आपको बताना ऑप्शन में किस कमेंट में किस राज्य से इन्होंने जीता राज्यसभा के इलेक्शन वो राज्यसभा से जीते हैं नॉमिनेशन जो भी है आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में ठीक है आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर तेरा कहता है विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैज नेम्ड टू साइक्लोन मंडोस साइक्लोन मंडोस जो अभी आया है मंडस जिसको बोलते हैं उसका नाम इसमें से किस देश ने रखा था थाईलैंड ने रखा था सऊदी अरेबिया ने रखा था यूएई ने रखा था श्रीलंका ने रखा था और ऑप्शन ई आप सबको पता है इसके अलावा एक और साइक्लोन आया था उसके बारे में बात अपने दूसरे पीडीएफ में करूंगा और भी डिटेल में अभी के लिए मंडौस के बारे में बताइए मंडौस का नाम किसने रखा था यूए ने रखा था ये बात आपको पता होना चाहिए और ये बे वे ऑफ वे बंगाल में आया था रेबियन सी में नहीं आया था यह भी आपको पता होना चाहिए

मैं दूसरी जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको दूसरे पेपर में उसमें मैं बताऊंगा किस में से कौन सा पैरामीटर ऐसा नहीं है जो भारत ये जो मानव विकास सूचकांक है उसमें सम्मिलित होता है तीन सूचकांक पे आती है चौथा को ऐसा उदाहरण दे दूंगा एग्जाम्पल दे दूंगा जो आपको पता नहीं होगा इसलिए मैं कह रहा हूं टेस्ट तरीका इनरोल्व करिए मजा जाएगा आपको बनाकर पंद्रह क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा ना आपको बहुत ही बढ़िया लगे लेवल देख रहे हो सवालों का हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी सब कुछ इन मैथ्स वगैरह साइंस सब कुछ इंक्लूड करके दूंगा दोनों लैंग्वेजेस में द राइट आंसर इज 132 भारत कंटिन्यू एक एक पैदान हर साल नीचे जा रहा है तो जितना है ऊपर कर लो उतने साल से नीचे आ जा जाओगे मतलब एक सौ उन्तीस एक सौ तीस एक सौ इकतीसौ बत्तीस हो गया ठीक है हर साल नीचे जा रहा है आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर पंद्रह बहुत ही अच्छा सवाल थर्ड वंदे भारत थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस रन बिटवीन मुंबई एंड बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई और निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच चलती है पहली किसके किसके बीच चलती है दिल्ली से वाराणसी नई दिल्ली से दूसरी कहां से कहां चलती है नई दिल्ली से कटरा तीसरी कहां से कहां चलती है मुंबई से लेकर कहां ऑप्शन है अहमदाबाद गांधीनगर सूरत या केवाड़िया ऑप्शन ई आप सबको पता है पॉज करिए जवाब दीजिए मेरे साथ आंसर मत करिएगा जवाब दीजिएगा फिर पॉज करिएगा फिर जवाब दीजिएगा मेरा तो काम है ना क्योंकि फटाफट क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो द राइट आंसर इज गांधीनगर बहुत बच्चे अहमदाबाद लगाएंगे या केवाड़िया लगाएंगे गलत है गांधीनगर इज द राइट आंसर तीस सितंबर दो को चली क्वेश्चन नंबर सोलह रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी चौथा टाइगर रिजर्व बना दिया गया किस राज्य में है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण निम्नलिखित में से किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बना और अगर आप वीडियो को अभी पॉज करो तो आपको जवाब देना है कि कितने नंबर का बना भारत में भारत में कितने नंबर का टाइगर रिजर्व बना आपके ऑप्शन प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश ऑप्शन आपको पता है किस राज्य में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चौथा उस राज्य का टाइगर रिजर्व बना दिया और भारत का कितने नंबर का बना है आपको बताना है द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का फिफ्टी थर्ड चौवन आंध्र प्रदेश नहीं यार उत्तर प्रदेश पता नहीं कैसे आंध्र प्रदेश हो गया उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा इसको ठीक है है यूपी बना लोगों को सबने बोला फिफ्टी क्या नाम है जो हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं मिनिस्टर ऑफ और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं उनका ट्वीट दिखा दूंगा और उसके अलावा एनटीसी की वेबसाइट दिखा फिफ्टी थर्ड ही है अभी तक तो गुरु घासीदास को डिक्लेर किया नहीं गया है नेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ में जिसको बोलते हैं तो जब गुरु घासीदास को किया जाएगा तो चौवनवा बनेगा कामलंग पचासवा था फिर श्री बिरपुत में आया आयावन नंबर बावन नंबर का आपका रामदेही बिजदेही आया रामधारी बुंदी डिस्ट्रिक्ट का तिरपन नंबर का है ये आपका रानीपुर उत्तर प्रदेश का चौथा यूपी पीसीएस में भी आएगा ये सवाल याद रखिएगा आ सकता है आएगा नहीं मतलब मैं श्योर नहीं हूं पर आ सकता है क्वेश्चन नंबर सत्रह बाइस का एक का सवाल है बिफोर द रेलवेज ऑफ द फॉलोइंग सिटी बाज द कलेक्शन सेंटर ऑफ कॉटन फ्रॉम डेक्कन दक्कन, दक्कन जिसको बोलते हैं ना ये आज का दक्कन रीजन है महाराष्ट्र से नीचे वाला रीजन वहां से कपास का संग्रहण केंद्र रेलवे युग से पहले कौन सा राज्य कौन सा जगह था किस जगह को या कौन सा जो शहर था वो शहर दक्कन से कपास का संग्रहण केंद्र था रेलवे के आने के पहले एनसीआरटी का सवाल है अब मैं यहाँ पर जब एन का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं आपसे एक और जिक्र कर लूँ अपना जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे दो सौ में सिर्फ दो सौ में मैं एन के जितने भी पॉसिबल वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे क्लास सिक्स से ट्वेल्थ तक के हर बुक से एनसीआरटी के वो सारे क्वेश्चन मैं अपने एनसीआर टी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर अपने एन सी टेस्ट सीरीज में करा रहा हूँ अभी तक चार बुक खत्म करे मैंने तीन एन और एक आर्ट एंड कल्चर क्लास इलेवंथ और क्लास ट्वेल्थ के उसमें से मैंने दो तीन या दो मुझे याद है दोस्तों सात आठ सवाल कराए हैं मैंने और उसमें से कितने ही सवाल यूपीएससी में आ चुके हैं बीपीएससी में आ चुके हैं यूपीपीसी में आ चुके हैं और आने वाले क्वेश्चन हैं देखिए बार बार कह रहा हूं एनसीआर को पढ़ना अलग चीज है उसके क्वेश्चन बनाना अलग चीज है एनसीआर टी कहां कहां से सवाल पूछता है ना अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको अच्छे से पता होगा एक एक डायग्राम के अंदर से सवाल पूछता है इसलिए आपको पता होना चाहिए आप इनरोल करिए वही सेम चीज इस पर यूपीआई पे, पे पेमेंट करिए मुझे कमेंट करिए व्हाट्सएप पे मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिए आपको एनसीआर टेक्स सीरीज में भी इनरोल करूंगा बीपीसी के टेक्ट सीरीज भी इनरोल करूंगा तुरंत अपना रिव्यू दीजिए तुरंत कमेंट करिए तुरंत बताइए आइए ज़्यादा देर मत करिए अगर आपको वीडियो जब तक पहुंच रहा है जैसे ही पहुंच रहा है आप इसी इनिशिएटिव के साथ जुड़िए आपको ही फायदा होगा ये मेरा आपसे बात है बहुत फायदा होगा आपको दोनों चीज़ों को ज्वाइन करिए चलिए मैं अपन क्वेश्चन पर लौटते हैं वापस से कौन सा क्वेश्चन था भैया ये तो हो गया ना ये भी हो गया सत्रह हां ऑप्शन था पटना मिर्जापुर राजगीर अलाहाबाद और ऑप्शन ये ये आपको पता है में आया था इसका राइट right आंसर होगा मिर्जापुर मिर्जापुर संग्रहण केंद्र था कपास का, का रेलवे युग से पहले याद रखिएगा पटना नहीं था पटना लगाए होंगे आंसर पर मिर्जापुर होगा क्वेश्चन नंबर अठारह देखिए मैं बार बार कह रहा हूं बीपीसी ने अपना पैटर्न बदल दिया अब नेगेटिव मार्किंग लेकर आ गए तो स्टेटमेंट पर आने के चांसेस भी हैं तो क्वेश्चन नंबर अठारह कहता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कथन सही है बताइए पहला कहता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक तरीके का क्या है राशन प्रोवाइड करता है एनएफए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दो के अंदर जितने भी लोग हैं उनको इसके अंदर में बेनिफिट दिया जाता है इसकी नोडल एजेंसी कौन है वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो गरीब कल्याण योजना है वो एक तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो कोविड के समय दिया गया था उसका पार्ट है ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री बोथ एंड थ्री वन अच्छा सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है ऐसे सवाल बीपीसी में पूछे जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस बार पैटर्न बदला और लेवल अच्छा किया पेपर का स्टैंडर्ड भी अच्छा किया और आपका कंपटीशन स्तर भी बढ़ गया बहुत अच्छे अच्छे लोगों से कंपटीशन है आपका ठीक है सो इसका आंसर होगा मोर देन ये तीनों स्टेटमेंट सही है याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे ऑफ फाइनेंस लगाएंगे नहीं पर ऑफ फाइनेंस इज द पार्ट नोडल एजेंसी याद रखेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अच्छा स्टेटमेंट है अभी क्यों न्यूज में था क्योंकि इसको बढ़ा दिया गया तीन महीने के और क्वेश्चन नंबर है अच्छा सवाल है ज्योग्राफी का कि ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट जहां पे कोई ज्योग्रफी कांग्रेस नहीं है कि में से किस महादेश में कोई ज्वालामुखी नहीं है कोई भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यूरोप महाद्वीप में साउथ अमेरिका महाद्वीप में नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में नन मोर देन वन इसमें से कोई नहीं है एक से ज्यादा महाद्वीपों में ऐसा है आप लोगों ने पढ़ा होगा यह सवाल एक बहुत ही फेमस बुक है उसके उसमें से लिया है मैंने सवाल रेफरेंस के रूप में देखिए ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है बात याद रखना है आपको उसके अलावा यूरोप में तो आपको पता है, है, है बहुत सारे माउंट इतना है माउंट्स इसलिए बहुत सारे हैं उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में भी है साउथ अमेरिका में बहुत सारे हैं ठीक है थीके? अपने सब कराएंगे अभी और सवाल में स्टडी कराऊंगा ना स्टडी के जब जो करेंट स्टी का जो मैं एक पेपर शेयर करूंगा आप में उसमें सारे क्वेश्चन कराऊंगा वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन आपके लिए आपको मजा आ जाएगा यार स्टैंडर्ड अगर आप इस पेपर में स्कोर कर रहे हो ना पचासी से नब्बे जो मेरे पेपर है साथ पचासी से नब्बे आप एकदम लिस्ट में हो एकदम आप हंड्रेड लिस्ट में रहोगे अगर सौ प्लस कर दिया तब तो कोई नहीं रोकेगा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा क्योंकि कट ऑफ इससे ऊपर तो नहीं जाएगी पांच पांच ऑप्शन और मार्किंग में मुझे नहीं लगता इससे ऊपर जाएगा क्वेश्चन नंबर बीस बताइएगा फॉलोइंग सिख गुरु फोर्टी द अमृतसर अमृतसर के इसमें से किस सिख गुरु के द्वारा बताना है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा गुरु हर हरगोविंद साहब के द्वारा गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा गुरु तेग बहादुर जिनको बोलते हैं उनके द्वारा इनमें से किन गुरुओं के द्वारा इनमें से किस गुरु के द्वारा या किन गुरु के द्वारा जो अमृतसर है उसकी पूरी की पूरी किलेबंदी कराई गई थी बताइए अच्छा सवाल है गुरु गोविंद सिंह जी आप सबको पता है पटना में पैदा हुए पटना में रहे दसवें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी छठे गुरु गुरु अर्जुन देव बहादुर जी गुरु अर्जुन देव जी पाँचवें हैं चौथे हैं नवे हैं आपको बताना है मैं ऑप्शन दे रहा हूँ गुरु अर्जुन देव जी किन साथ इनका फाइट चलता था ये सब मैं कराऊंगा आपके अकबर के साथ था बीरबल के साथ था जहांगीर के साथ था औरंगजेब के साथ था गुरु तेज बहादुर जी के, आ, के साथ किसने गलत कराया सारी चीज़ें मैं कराऊंगा आपको अब बस ज्वाइन करी टेस्ट सीरीज देखिए द राइट आंसर हो जाएगा गुरु हर सिंह जी छठे गुरु थे ये भी आपको पता होना चाहिए सिक्स गुरु थे ठीक है उन्होंने के लिए बंदी कराई थी अब किन्ने खालसा पंथ का स्थापना करा अमृतसर को बनाया ये सारे अपने आप में अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी निम्नलिखित में से कौन एंटीपायरेटिक्स का उदाहरण है एंटीपायोटिक्स वो चलो अभी नहीं बताऊंगा एंटीपायोटिक्स कौन होता है कौन उदाहरण एंटीपायोटिक्स का एस्पिरिन डायलोना सोफ्रामाइसीन फ्यूरासिन ऑप्शन ई बताओ एंटीपायरेटिक्स का उदाहरण कौन है देखिए एस्पिरिन हो जाएगा राइट आंसर फीवर को कम करने के लिए यूज होता है एस्पिरिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है एस्पिरिन एसिटाइल सेलिसिलेट टू रिड्यूस फीवर पैरासीटामोल एसिटाइल सेलिसिक एसिड इसके अलावा यू यूवी प्रोफेन भी बोलते हैं बाकी ये जो है क्या नाम है मुझे तो शायद डायलोना भी याद है डायलोना भी होता है एंटीबायोटिक्स में पर एस्पिरिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोफ्रामाइसिन और फ्यूरोसिन जो है वो तो आपके एंटीसेप्टिक क्रीम्स हैं वो कट जाता है तो उसमें आप यूज करते हो ठीक है चलिए हैप्पी न्यू ईयर है ना तो कई लोगों का सामने से आके भी रूम्स में फिर फ्लैट्स में आके हैप्पी न्यू ईयर चलिए कोई नहीं चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट साइंस का सवाल है क्वेश्चन नंबर बाईस बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है एल्बिनिज्म एक तरीके की बीमारी है जिसको लो मेलानिन के वजह से होता है थैलेसीमिया भी एक बीमारी जो लो हीमोग्लोबिन के वजह से होता है हीमोफीलिया भी एक बीमारी है जो ब्लड क्लॉटिंग के इशू से रिलेटेड है सिक्कल सेलमिनिया जो लो आरबीसी की वजह से होता है और ऑप्शन ये आप सबको पता है बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है सोचिए फिर जवाब दीजिए मैं एक सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं मैं का थोड़ा सा कंफर्म कर लूं आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए चीज देखिए इसमें जो सवाल मैं आपको बोल रहा हूं ना इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है सारे स्टेटमेंट सही है अपने आप में यह चीज आपको पता होना चाहिए ऑल आर करेक्ट ठीक है कोई भी इसमें से स्टेटमेंट वो है जो गलत नहीं है एस्पिरिन हो जाएगा इसका आंसर ठीक है एस्पिरिन बताया मैंने आपको आगे देखेंगे आगे क्या है स्प्रीन का साइंटिफिक नाम भी बताया मैंने टी सी सिलेक्ट होता है उसमें और इसमें से कोई ऑप्शन गलत नहीं है भी आपको याद रखना है ये सारे सवाल आपके पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री बहुत अच्छा सवाल है कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन हाउ मेनी नेशनल पार्टीज वर देयर इन इंडिया कह रहा है कि जब पहला बार जनरल इलेक्शन हुआ था भारत में किस दिन हुआ था आप कमेंट में बताओगे अभी तुरंत लिखोगे कितने नेशनल पार्टीज इंडिया में थे उस समय पर ग्यारह पार्टीज थे बारह पार्टीज थे तेरह पार्टीज थे चौदह पार्टीज थे कितने थे बहुत ही बढ़िया सवाल है ये देखिए चौदह पार्टीज थे तू कहीं लगाएंगे आप सब मुझे पता है चौदह पार्टीज थे उन्नीस में जब पहली बार नेशनल नेशनल पे नेशनल पे जनरल इलेक्शन हुआ था तो चौदह नेशनल पार्टीज थे यह भी न्यूज में क्यों अगले सवाल से समझ में आएगा आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वीच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इन इंडिया बिकेम द न्यूएस्ट नेशनल पार्टी इन इंडिया भारत की नवीनतम नई नई एकदम बिल्कुल नई नवेली दुल्हन होती है ना वैसे नई पार्टी कौन ऐसी बनी जिसको नेशनल पार्टी का टैग दिया जा सकता है अभी तक दिया नहीं गया पर वो बन गया नेशनल पार्टी उसने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए क्राइटेरिया क्या होते हैं मैं आपको दूसरे पीडीएफ में कराऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगले टेस्ट पेपर में उसमें कराऊंगा तो आपको बताना है कौन कौन है डीएम पार्टी है तमिलनाडु की ए डीएम पार्टी है तमिलनाडु की आम आदमी पार्टी बी अब बताना है बी पहले कौन सी पार्टी थी अब बीआरएस उसका क्या नाम हो गया है अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा मैं आंसर वैसे बता दूंगा तुरंत ही और ऑप्शन ही आपको पता है देख लो कितने सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं देखिए आंसर तो वैसे आम आदमी पार्टी हो जाएगी आम आदमी पार्टी गुजरात में पांच सीटें जीत गई वोट परसेंटेज भी उनका आ गया अब उनका चार स्टेट में जो है वो सरकार है उस लेवल पर स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो चुकी है तो इसलिए उनका जो है वो बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं वो आराम से बन सकते हैं गोवा में है दिल्ली में है ही पंजाब में है ही और गुजरात में हो गए तो चार राज्यों में उनका स्टेट पार्टी हो तो नेशनल पार्टी बन गए वो आम आदमी पार्टी हो गई नेशनल पार्टी नौवीं पार्टी बनी ये भी याद रखिएगा नाइन्थ पार्टी बनने वाली है ये आठ पार्टियों का नाम कौन कौन है या तो आप पता करोगे खुद या तो मैं दूसरे पीडीएफ में कराऊंगा चाहूं तो मैं आपको मैं बता दूं पर मैं चाहता नहीं हूं अभी एक नई जो आठवीं पार्टी थी वो कौन सी थी मेघालय की पार्टी नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी एनपीपी कामरेड संघमा की पार्टी इसके बारे में सवाल कराऊंगा दूसरे पीडीएफ में बी बनी है भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना राष्ट्र समिति जो केतचंदर राव की केसीआर की जो पार्टी ना केत चंदेखर राव उनका पार्टी का नाम बदल उन्होंने कर लिया भारत राष्ट्र समिति यह भी आपको पता होना चाहिए नेशनलिस्ट पीपल पार्टी कामरेड सं की पार्टी मेघालय की आठवीं पार्टी बनी नॉर्थ ईस्ट से पहली पार्टी थी लास्ट क्वेश्चन आज का कराऊंगा चूज द इनकरेक्ट करेक्ट ऑप्शन इस सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करें वो पीडीएफ के सवाल है मेरे टेस्ट पेपर के सवाल है मैंने आपको सिर्फ स्टैंडर्ड बताया है अपना ताकि आपको पता हो चले कि हाँ कैसा कैसे सवाल पूछने वाले हैं सर उसके बेसिस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट का बताइए चयन करिए आर्टिकल थ्री थर्टी एट इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इससे संबंधित आर्टिकल थर्टी एट थ्री तीन सौ अड़तीस तीन सौ अड़तीस ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब तीन सौ अड़तीस बी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आर्टिकल

पचास रुपए में उसका पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए वहां पर सब कुछ मिलेगा और इसके अलावा मैंने अभी एक बहुत ही अच्छी चीज बनाई बहुत ही बढ़िया चीज बनाई मुझे खुद को पता है लोगों ने रिव्यू भी दिया है करंट अफेयर से स्क्रीनशॉट का 150 क्वेश्चन मतलब जून 2022 से लेकर 15 दिसंबर 2022 तक के न्यूजपेपर और भी चीजों से जितना करंट अफेयर्स यूपीएससी लेवल का बन सकता है बीपीएससी लेवल का बन सकता है जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने इस मैगजीन में कवर करें हैं डेढ़ सौ क्वेश्चन करेंट हर के एमसीक्यूज में उसके आंसर मैंने लास्ट में दे रखे हैं एक्सप्लेनेशन मैं आपको कभी और इसी तरीके से वीडियो बनाकर कुछ क्वेश्चन का कराकर बताऊंगा आपको पचास रुपये में आप उसका पीडीएफ मेरे से डायरेक्ट ले सकते हैं यूपीआई नंबर आपको मैंने बता दिया एट एट फाइव वन जीरो फोर जीरो डबल सिक्स थ्री और सेम व्हाट्सएप नंबर भी मेरा आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं उस चीज पर कॉल करके ठीक है ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपको बताना था क्वेश्चन के चलते हैं क्वेश्चन को एंड करते हैं पच्चीस नंबर क्वेश्चन जो हमारा था उसके साथ ठीक है इसमें जो गलत है वो है आपका ए 338 बी है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है एनसीबीसी अब किस अमेंडमेंट से अलग किया गया था भी आपको पता होना चाहिए एटी नाइन अमेंडमेंट करके एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स दोनों को अलग कर दिया गया था पहले दोनों साथ ही थे तो तीन सौ अड़तीस के साथ ए डील करता है तीन सौ अड़तीस के ए के साथ एनसीएसटी डील करता है तीन सौ अड़तीस बी के साथ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और तीन सौ अड़तीस डी के साथ जो आपका है वो विमेन कमीशन है वो डील करता है ये आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के साथ मैं खत्म करता हूं आज के मेरे एक रिव्यू को जो मैंने आपको दिया अपने सैंपल दिए अपने लेवल का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको बताया आई होप आपको अच्छा लगेगा आपको अगर चीज़ें समझ में आती तो जुड़िए ज्वाइन करिए एनसीआर टी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करिए बीपीसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और वहीं पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगा प्लीज चैनल को शेयर करिए सब्सक्राइब करिए आप लोगों को बहुत हेल्प हुई होगी सिक्सटी सेवंथ में मैंने क्वेश्चन बनाए थे और सिक्सटी एथ में भी वही क्वेश्चन आ सकते हैं जो सिक्सटी एथ सेवंथ मैंने कराएं ऐसा नहीं कि दो महीने के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा इसलिए सिक्सटी सेवन के हर एक वीडियो को देखिए एक एक मैराथन को देखिए पूरा देखिए आपको मजा आ जाएगा यार मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा आपको आपको इतना फायदा होगा ना कि पूछिए मत ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग हैप्पी न्यू ईयर अगेन कीप लविंग मी थैंक यू